को देखता हूँ जो मैक्सिमम हर चीज़ एक जब साइलेंस में है, मतलब हो भी रही है फिर भी एक साइलेंस में है, मैं सब कुछ देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ कि मैं इस जैसे बॉडी में लिमिट और एक्सीजन इतना बड़ा है, मैं क्यों अपने आप को फिर इतना ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ जब मैं हूँ इतना सा और मैं अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहा हूँ। अगर मैं जैसे अपने आप को फील करता हूँ हर चीज़ अपने उसमें है, मैं बहुत छोटा जब मैंने फील करा कि मैं बहुत लिमिटेड हूँ और मैं अपने आप को इतना सीरियसली ले रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा हूँ, ऐसा क्यों, मतलब सच्चाई से मैं इतना क्यों भाग, मतलब इसी सच्चाई से नहीं बहुत सारे सच हैं जो दिखते हैं फिर भी मुझे झूठ ज़्यादा पसंद आते हैं, ऐसा क्यों। एक वृत्त होता है सर्किल, उसका केंद्र कितना बड़ा होता है, सेंटर कितना बड़ा होता है, सेंटर बड़ा छोटा होगा, छोटा सा होता है ना, छोटा सा होता है जरा सा, पर होता क्या है सेंटर, होता क्या है वो जो मध्य में केंद्र में विराजमान है सिंहासन पे। तुम अपने आप को छोटा भले ही समझते हो पर दुनिया के केंद्र में अपने आप को ही देखते हो। छोटा भले ही समझते हो पर छोटा हूं लेकिन सेंटर, केंद्रीय हूं। ये हालत सबकी है, जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी दुनिया के केंद्र पर बिल्कुल सिंहासन पे आसीन है, सब ऐसे ही है। सूरज किस लिए उगता है, मेरे लिए उगता है, कोई भी घटना कहीं घट रही होगी पहला ख्याल तुम्हारे मन में क्या आता है, इसका मुझ पे क्या असर पड़ेगा। पृथ्वी गर्म हो रही है, क्या तुम्हें यह ख्याल आता है कि पृथ्वी गर्म हो रही है तो उसका क्या होगा और उसका क्या होगा और उन प्रजातियों का क्या होगा, तुम्हें ख्याल ही आता है कि मेरा क्या होगा। अब भले ही तुम्हें दिख रहा हो कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और तुम कण मात्र हो, लेकिन ख्याल किसका आ रहा है, ख्याल तो अपना ही आ रहा है ना। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अपनी दुनिया के केंद्र में बैठा हुआ है, यही अहंकार की विशेषता है। अहंकार कहता है मैं मध्य में हूं और बाकी सब कुछ मेरे परितः घूम रहा है, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं। जब तक दुनिया को ऐसे देखोगे कि दुनिया बाहर है, यही कहा ना तुमने कि दुनिया को देखता हूँ मुझे दुनिया की बेईमानियाँ और झूठ समझ में आते हैं फिर भी प्रभावित रहता हूँ। जब तक आंखें खोल करके और दृष्टि को बहिर्गामी बना के दुनिया को देखोगे ऐसे जैसे कि दुनिया बाहर हो, तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। वास्तव में देखने का, अवलोकन का आध्यात्मिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से अर्थ होता है उसको ही नहीं देखना जिसे आंखें देख रही हैं, बल्कि आंखों के देखने की प्रक्रिया को भी देखना। मैं यदि अभी देखूं कि आप सब यहां बैठे हैं तो इसको अवलोकन नहीं कहा जा सकता, ये भ्रम मात्र है। वास्तव में देखा तब जब देखने वाले को भी देखा, जब देखती हुई आंखों को भी देखा, अन्यथा होगा बस ये कि तुम्हें उतना ही दिखाई देगा जितना देखने के लिए मन और इंद्रियां संस्कारित हैं, उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। और मन और इंद्रियां संस्कारित ही हैं, अपने संस्कारों से आगे वो तुम्हें कुछ दिखा नहीं पाएंगी। बाहर देखोगे तो ये दिखाई देगा कि लोग घूम रहे हैं, सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा, बटा हुआ, अलग अलग लोगों का एक
निश्चित जीवन काल लोगों की अलग अलग कायदे, लोगों के अलग अलग मूल्य वरीयताएं, यही सब दिखाई देगा। दुनिया को वास्तव में देखने का मतलब होता है अपने मन को देखना, और वैसे भी अपने मन को देखे बिना दुनिया को तुम देख सकते कहां। हम सब के मन एक तल पर बिल्कुल एक ही हैं, ऊपर ऊपर से उनमें भिन्नताएं हैं, जरा सा नीचे जाओ तो एक है। अपने मन को नहीं समझा तो दुनिया को कैसे समझोगे। आप मन को देखने की बात बताते हैं, मैंने लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बुरा हो सकता हूँ, और अचानक से मैंने देखा कि मैं, मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ और मैंने जो रिएक्शन दिया, मेरे को लगता था कि मैं बहुत सूफी आदमी हूँ, और जो मैंने रिएक्शन दिया और जो मैंने करा, भले ही बाकी लोगों ने ना देखा पर मैंने खुद को देखा करते हुए, तो मेरे को लगा कि मैं इतना ही बुरा हो सकता हूँ। मतलब मैंने भी सोचा कि तो मतलब क्या इसका भी कुछ है कि मैंने खुद को नहीं देखा, मेरे में इतनी बुराइयाँ हैं, मेरे में बहुत बुराइयाँ हैं जो मैंने देखी। तुमने कुछ देखा? हाँ, मैंने। और तुम्हारा देखना इस बिंदु पे आके रुक गया कि मैं बुरा हूँ। तुम ये नहीं देख पाए कि ये बुरा कहने वाला कौन है, और बुरा कहने की शिक्षा और संस्कार कहाँ से मिले। जिन बातों को अपने, जिन कर्मों को तुम बुरा कह रहे हो, कोई और उनका स्वीकार कर सकता है, कोई और कह सकता है नहीं बुरी नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। ये बुरे और भले का खेल क्या है? ये बुरे और भले का खेल यही है कि हमें पता भी नहीं है कि हम क्यों दुनिया पर तमगे लगाए जाते हैं और स्वयं पर भी। तुमने कुछ देखा, बस इतना काफी है। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कोई निर्णय पारित किया जाए, कहा जाए कि मैं बुरा हूं कि मैं अच्छा हूं। और अगर बार बार मन का कोई कोना चिल्ला चिल्ला के ये कहना ही चाहता है कि ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, तो उससे पूछो कि तू आया कहां से, तू है कौन, तूने कहां से सीखा कि ये सब बुरा है, और जो तुझे आज बुरा लग रहा है क्या सदैव बुरा लगता था, ये शिक्षा कहां से पाई, तू है कौन। जैसे जैसे ये सवाल पूछोगे, जैसे जैसे करीब आओगे, वैसे वैसे मन से ये भावनाएं हटती जाएंगी और सत्य उजागर होता जाएगा। जो अच्छे बुरे के खेल में फंसा हुआ है कभी सत्य के करीब नहीं जा सकता। और समझना इस बात को कि बुराई मन में छुपाए बिना अच्छा हुआ नहीं जा सकता। हम जिसे अच्छाई कहते हैं वो सिर्फ नैतिकता है, और वो बुराई के बिना मौजूद हो नहीं सकती। तुमने अपने आप को जो कुछ भी करते हुए पाया वो कायम रहेगा तब तक जब तक तुम कायम हो। और तुम कौन हो? तुम वही हो जिसने दुनिया से अपने बारे में और
और दुनिया के बारे में हजार तरह की शिक्षा पाई हुई है। तुम कौन हो? तुम वही हो ना जो बात बात पर सही गलत और अच्छे बुरे का भेद करते रहते हो। अब तक हो, तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ और सारी बुराइयाँ कायम रहेंगी। और तुम कौन हो? वो जो दुनिया को अच्छे और बुरे के चश्मे से देखता है। बात जरा घुमावदार है, थोड़ी सी, समझ रहे हो ना? फिर तुम इससे कभी आजाद ही नहीं हो पाऊंगा। तुम इससे तब तक आजाद नहीं हो पाओगे जब तक तुम्हारी जिज्ञासा यहां आकर रुक जाएगी कि ये काम बुरा था। ये काम बुरा था। अस्तित्व में अच्छा बुरा नहीं होता, अस्तित्व में जो होता है बस वो होता है। अस्तित्व में जो होता है वो बस होता है। वहां पर नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। आपका फर्ज अपने प्रति ये नहीं है कि आप अपने आप को अच्छाई की तरफ प्रेरित करें और बुराई से बचें। आपका अपने प्रति फर्ज ये है कि आप ध्यान से देखें कि आपके मन पर जो कुछ भी बैठा हुआ है वो क्या है और कहां से आ गया। जो ही आप करीब जा करके उसकी तहकीकात करते हैं, आप पाते हैं कि उसमें कोई वजन था ही नहीं, कोई बात थी ही नहीं, वो विलुप्त हो जाता है। शेष बचता है सिर्फ आपका होना। और वो जानता है कि कैसे जिएं और क्या करें, उसे अच्छे से पता है। पर वो कुछ कर नहीं पाएगा अगर आप उसके ऊपर अपनी नैतिकता बार बार आरोपित करते रहेंगे। देखो, अस्तित्व में सबको पता है कि उन्हें क्या करना है, सब जानते हैं उन्हें कैसे जीना है, और वो अच्छे बुरे का ख्याल करते नहीं। आदमी अकेला है जो फंसा बैठा है कि अब निर्णय क्या लूं, चुनाव क्या करूं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो ताकत उनका मार्गदर्शन करती है वो तुम्हारा मार्गदर्शन करने से इनकार कर देती है। जो ताकत उन्हें रास्ता दिखाती है वो तुम्हें भटकाना चाहती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बात बहुत सीधी है, राह तो सहज है, स्पष्ट है, पर राह के आड़े तुम्हारी चतुराई आ जाती है। हम कहते हैं कि हम क्यों निर्भर रहें अपनी शांति और मौन पर, हम क्यों निर्भर रहें अपने सहज बोध पर। जीवन कैसे जीना है ये तय करने के लिए हम नियम और कायदे बनाएंगे, हम योजनाएं बनाएंगे, हम 10 तरह के कानून खड़े करेंगे। अब हमने तय कर लिया है कि हम भी ऐसे जिएंगे और दूसरे भी ऐसे जिएंगे और यही उचित है। अब हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। अब जिंदगी हमारी मर्जी से चलेगी और हमारी मर्जी को देखिए हमने यहाँ पर लिपिबद्ध कर दिया है। ये देखिए, ये सफ़ेद वाला जो है ये अच्छा अच्छा है, और ये जो सब काला वाला है ये बुरा बुरा है। अच्छे और बुरे के तकाजे एक प्रकार से परमात्मा के प्रति विद्रोह हैं। हम कहते हैं कि हम तेरे चलाए पे नहीं चलेंगे,
हम पहले ही पूर्वनियोजित तरीके से तय करके बैठेंगे कि ये हम करते हैं तो ये अच्छी बात और ये हम करते हैं तो बुरी बात। सहज बोध में तो निर्णय तात्कालिक होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि तुम जानते हो पहले ही कि अभी ये करूंगा तो बात ठीक रहेगी और ये करूंगा तो बात गलत रहेगी। और वास्तव में अगर कुछ ठीक है तो वो तात्कालिक निर्णय ही ठीक है, उसके अलावा कुछ ठीक होता नहीं। आदर्शों और सिद्धांतों से जरा बचो। तुम कहते हो कि अपने आप को जरा सूफी तबीयत का समझते थे पर अपने भीतर की बुराई देख करके चौंक गए, जिसे तुम अपनी सूफी तबीयत बोलते हो वो भी एक तस्वीर मात्र है, क्योंकि सूफी कौन ये तुम जानते नहीं। सूफियों का एक खाका खींचा हुआ है, तुम्हें लगता है कि जो ऐसे चले और ऐसे सोचे और ऐसे जिए उसको सूफी बोलते हैं। सूफी का आचरण देख के थोड़े ही सूफी को जान पाओगे, तो तुम खुद ही तय कर लेते हो कि जो सूफी होगा वो इस तरीके से जिंदगी जीता होगा, और तुम वैसे ही जीने की कोशिश करने लग जाते हो और अपने ऊपर ठप्पा लाने का भी दुस्साहस कर लेते हो कि मैं भी सूफी हो गया। और पाते हो कि मन के खेल निराले हैं, मन जरा दाएं बाएं भी होता है, और जब मन जरा दाएं बाएं होता है तो तुम ग्लानी से भर जाते हो कि अरे मैं तो बड़ा बुरा आदमी निकला, मैंने तो ऐसे काम कर दिए जो सूफी कभी करते ही नहीं। तुम्हें क्या पता। कौन सा सूफी किसी दूसरे सूफी को देख के चलता है? तो सूफी होने की तुम्हारी पात्रता तो उसी समय खत्म हो गई जब तुमने अपने आप को सूफी घोषित किया, क्योंकि तुमने अपने आप को सूफी घोषित ही दूसरे सूफियों को देख के किया कि ठीक है जो ऐसे ऐसे जिए वो सूफी, हम भी ऐसे जी रहे तो हम भी सूफी। कौन सा सूफी किसी दूसरे की नकल उतारता है? उसका जीवन असली है, उसका जानना असली है। और सूफी तो मशहूर हैं अपने टेढ़े तिरछे तरीकों के लिए, लोगों को उनकी बातें समझ में ही नहीं आती, लोगों को उनके तरीके समझ में ही नहीं आते। गर्म जगहों पे भी रहेंगे तो ऊन पहन के घूम रहे हैं, रेगिस्तान में चला जा रहा है ऊन डाल। कोई धूप है और सामने छांव है, वो छांव छोड़ के धूप में बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है। कोई पास जा रहा है बहुत अदब से बात कर रहा है, वो डंडा लेके उसको मार रहा है, क्या हो रहा है भाई? लोग सीधा साधा सवाल पूछ रहे हैं अपनी समझ से और वो जवाब ऐसे दे रहा है कि भाई हमने सीधी सी बात पूछी थी कि हम बड़े दुखी हैं, हम क्या करें। तो उसने उसको ताले और चाबी की एक कहानी सुना दी। तुम्हें क्या पता सूफियों का? चलो सूफियों की एक कहानी सुनाते हैं, यहां अच्छाई और बुराई की बात। एक आदमी पहुंचा खानखा, जानते हो अड्डा, सूफियों का रहते थे आश्रम समझ लो। तो उनके आश्रम में पहुंचा तो वहां जितने सूफी थे नए नवेले जवान तुम्हारी तरह इंटर्न, वो सब बड़ा नियमबद्ध जीवन जी रहे हैं,
उनको जितने बजे कहा गया है कि उठो वो उतने बजे उठ रहे हैं, जितने बजे कहा गया है सो उतने बजे सो रहे हैं, जो ग्रंथ कहे गए हैं पढ़ो पढ़ रहे हैं, जो खाना कहा गया है खाओ वो खाना खा रहे हैं। ये जो आया था आदमी घूमने के लिए बड़ा प्रभावित हुआ, इसने कहा बहुत बढ़िया, इस आश्रम में तो बड़ा नियम कायदा चलता है, जरा उच्छृंखलता नहीं है। तो जो सुन रहे थे वो बोले हाँ बात तो आपकी ठीक है, एक दो मुस्कुराने लग गए। तो उसने पूछा भाई मुस्कुरा क्यों रहे हो, बोले कुछ नहीं अब आश्रम तो आपने पूरा देख ही लिया है, तो मैं गुरु जी से ही मिलते वो चले जाइएगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आया हूँ यहाँ पर सबको देखूँ और जो प्रमुख हैं उनसे ही ना मिलूँ तो ये तो कुछ बात ठीक नहीं। तो बोलते हैं वो अभी जरा कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, 125-150 साल उनकी उम्र है, वो जब घूम चुकेंगे तो लौटेंगे, तो आप जरा इंतज़ार करिए। वो बैठा हुआ और देख रहा है क्या सुंदर व्यवस्था चल रही है वहाँ पर, सब नियम से काम धाम सफाई। थोड़ी देर में वो जो हेड सूफी है वो वापस आता है, ये लंबी उसकी दाढ़ी सफ़ेद ज़मीन तक की, आता है मस्त गाने वाने गाते हुए, अभी तक मौन शांति, वो आ रहा है बढ़िया अपना गीत गाते हुए आ रहा है, वो अकेला है जो गा रहा है। वो आता है बैठता है बोलता शराब लाओ, अब बढ़िया बैठ के शराब पी रहा है, बोलता ये व्यंजन लेके आओ, अब ये लेके आओ, वो अपना खा पी रहा है, बाकी सब अपना संयमित खाना खा रहे हैं, सात्विक आहार ले रहे हैं बैठ करके अपना बढ़िया। ये यात्री बड़ा निराश होता है, ये कहता है फिर तो ये सब छल था, इन्होंने अपने लोगों पे इतने नियम कायदे डाल रखे और खुद तो कुछ करते नहीं, ये सब तो कुछ दिखावा था। तो ये सब देख कर कहता है तो बुरे काम है भैया, आप जितने ऊंचे होते जाएं उहदे में आपको उतने ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए, और एक सूफी बुरे काम कैसे कर सकता है, शराब पीना तो इस्लाम में वैसे ही वर्जित, ऊपर से संत और शराब पी रहा है, ऊपर से वो भी इस उम्र का, आज नहीं तो कल अभी मर जाए, ये कैसा संत है। तो बाहर निकलता है बिल्कुल सर झुका के कि तो बुरे काम हो रहे हैं, वो जाने को है तो पीछे से आके बोलता है कि क्या देख लिया, बोलता ये सब है, बोलता इसीलिए तो प्रमुख है ना, उनके लिए अच्छे बुरे का भेद समाप्त हो चुका है, और हम इसीलिए तो शिष्य है ना, हमारे लिए अच्छा बुरा अभी कायम है, चूंकि हमारे लिए अच्छा बुरा कायम है इसीलिए अभी हमें वो काम दिए जा रहे हैं जो अच्छे वाले हैं। जिस दिन हमारे लिए वो भेद मिट गया, जिस दिन हम अद्वैत से निकल के अद्वैत में आ गए, उस दिन हमारे लिए भी सारी वर्जनाएं समाप्त, उस दिन सब भेद समाप्त। अभी सूफी मत बड़ा खतरे में चल रहा है, जहां कहीं भी सूफी मौजूद हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, जो कट्टरपंथी हैं उन्हें दूसरे धर्म के लोगों से फिर भी उतनी दुश्मनी नहीं है जितनी उन्हें सूफियों से है। अफगानिस्तान में आज तुम्हें सूफी न मिलेंगे, खत्म।
पाकिस्तान में भी पहला आक्रमण सूफियों पे किया जाता है उनके आश्रमों पर की मस्जिदों पर, इसीलिए क्योंकि उनके जीने का तरीका, उनकी बातें सत्य से उन्हें सीधे जोड़ती हैं, अल्लाह से सीधे संपर्क होता है उनका, वो बीच में अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करते, नियम कायदे होते हैं उनके भी होते हैं, पर नियम कायदे ऐसे ही होते हैं जैसे कि हम तुम बैठ के बात कर रहे हैं तो कुर्सी है बैठे हुए हैं, बातचीत खास है कुर्सी नहीं खास है, कि नियम बना हुआ है कि कुर्सी पे ही बैठेंगे भले बात ना हो, और कोई मूर्ख आकर के बोले कुर्सी पे तो बैठ लिए ना तो बस ठीक था, अच्छा काम है कुर्सी पर बैठना। सूफी वो जो जानता है कि कुर्सी संयोगिक है, केंद्रीय बात है कि हम प्रेम से और बोध में आपस में जुड़े संपर्क रहें, सूफी वो है। गंभीरता से मतलब जिंदगी को, जो गंभीर थे उन्हें भी गंभीरता छोड़ के ही जाना पड़ता है। मेरे को बहुत सारे संतों ने डरा दिया है, कहेंगे कि जिंदगी के बाद कीड़े मकोड़े बन जाओगे अगर ये नहीं करो। मैं वही देखता हूँ कि कभी भी कोई भी मैं मर सकता हूँ, और जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, कहाँ जाऊँगा मैं, एक डर ये भी है। मैं कल कुछ कीड़े मकोड़ों से बात कर रहा था, उनको तुमसे ज़्यादा डर है, वो कह रहे हैं अगले जन्म में कहीं इंसान ना बन जाए। संतों की बातें चेतना के एक बहुत ऊंचे तल पे कही गई होती हैं, जब वो ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल ये निकलेगा कि कीड़े मकोड़े बन जाओगे, उसका अर्थ बस इतना ही होता है कि तुम अपने किए को वर्तमान में ही समाप्ति और पूर्णता नहीं दे रहे हो, कंप्लीशन नहीं दे रहे हो, वो आगे को चलेगा, वो आगे को चलेगा, और तुम आगे कुछ ना कुछ बनोगे। अब क्या बनोगे, कीड़ा बनोगे कि मकौड़ा बनोगे कि इंसान बनोगे, सब एक ही बात है, बात बस इतनी है कि तुम खत्म नहीं हो पाओगे, तुम्हारा जीवन मरण का चक्र चलता ही रहेगा, और जीवन मरण के चक्र से ही मत समझना कि तुम्हारा कोई पुनर्जन्म होगा, अर्थ बस इतना ही है कि विचारों की श्रृंखला कायम रहेगी, जिसे आप जीवन मरण का चक्र कहते हो, वास्तव में विचारों की ही श्रृंखला, विचारों के ही चक्र का नाम है। कीड़े मकोड़े से अर्थ वो है कि जिसको अपने शरीर से ऊपर का कुछ बोध नहीं, पशु का अर्थ होता है वो जो बंधा हुआ है पाश में है, समझ रहे हो बात को? तो तुम अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारी चेतना शरीर के तल से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम शरीर के तल पे और ज्यादा बंध जाओगे। मैं जैसे बोल रहा हूं बात जरा समझने में टेढ़ी हो जाती है, आम जनमानस को बात सुलभ रहे, आसानी से समझ सकें, तो इसलिए एक मुहावरे की तरह वो कह देते हैं कि अगले जन्म में ये बन जाओगे। बात अगले पिछले जन्म की नहीं है, किसी संत को अगले जन्म से कोई मतलब होता नहीं, उसको मतलब होता है अभी की पूर्णता से, मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म ना होए, दूजा जन्म
उसको चाहिए ही नहीं, दूसरा जन्म उसकी प्राथमिकता ही नहीं है। उसको तो ये देखना है कि जो अभी में है वो अभी में ही खत्म हो जाए, कोई अवशेष ना बचे, कुछ आगे ना जाए, कुछ दमित ना रह जाए, कुछ रुका ना रह जाए, सब पूरा रहे, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं है तो आगे कुछ ना कुछ बनोगे, बनोगे से क्या अर्थ है कि कोई ना कोई पहचान अपनी कायम रखोगे। किसी से 5 रुपए ले रखे हैं, अभी ऋणी हो, अगले दिन भी क्या रहोगे, पहचान बनी रहेगी ना, बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। तुम कह भी दोगे मेरी पहचान खत्म हो गई तो वो आके याद दिला देगा 5 रुपए जलाए गए याद ना। तो बस यही कह रहे हैं संत, एहसान मत रखो, पहचान मत रखो, कुछ शेष मत रखो, पूर्णता में जियो। अगर मन में विचार चल रहा है कि कल कुछ करना है तो मतलब कुछ शेष है, तभी विचार चल रहा है कि कल अभी ये सब करूंगा। अगर मन में विचार चल रहा है कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा तो मतलब कुछ शेष है। संत वो जो पूरी नींद सोता है, उसे कल की फिक्र नहीं है, वो नहीं देख रहा कि कल मेरा क्या होगा और परसों मेरा क्या होगा। जो कल परसों की फिक्र कर रहे हैं, ये फिक्र ही कीड़ा मकौड़ा होने के बराबर है। इसी को कहा गया है कि अगले जन्म में कीड़ा मकौड़ा बनोगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मर जाते हो फिर जलाए जाते हो, फिर अचानक तुम्हारी राख इकट्ठा होकर कीड़ा बन जाती है, या कि तुम्हारी कोई आत्मा आत्मा है जो निकलती है और फिर कहीं जाके गर्भ में प्रवेश करती है और फिर कीड़ा बनती है। कुछ नहीं, अगला जन्म अभी है। हम जितनी देर में बात कर रहे थे, इतनी देर में तुमने पता नहीं कितने जन्म ले लिए हैं। प्रतिक्षण अगला जन्म आ रहा है, हर नया पल एक नया जन्म है। पुनर्जन्म की जो पूरी अवधारणा है उसको समझो, हर नया पल एक नया जन्म है। मरने के बाद नहीं अगला जन्म होगा, अभी हो रहा है। संत डराते वराते नहीं है, संतों का काम डराना नहीं है। डर तुम में बैठा हुआ है जो किसी को भी देख करके फूट पड़ता है। तुमने तय ही कर रखा हो तुम्हें डरना है तो तुम किसी को देख के भी डर जाओ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो आके मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, जिनके पास अभी बहुत दुनियादारी की शिक्षा नहीं है, स्कूलों कॉलेजों के लड़के होंगे, अभी उम्र उसकी 20 साल की है, वो मेरे साथ बड़ा सहज व्यवहार करेगा, उसे मुझसे भी डर नहीं, सहज रूप से आएगा, आत्मीयता के माहौल में सामने बैठ जाएगा, बातचीत कर लेगा, हंस लेगा, चुटकुले भी सुना देगा, ताली मार लेगा, नाच लेगा। उनके माँ बापों को मुझसे बहुत डर लगता है। अब मैं थोड़ी डरावना हूँ और न ही मैं कोई लुभावना हूँ। जिन्हें मैं डरावना लगता हूँ डर उनके मन में है, और जिन्हें मुझे देख के कोई लोभ आता है लोभ उनके मन में है। संत नहीं तुम्हें डरा रहे, उन पर आक्षेप मत लगाओ कि संतों ने डरा दिया है। संत प्यार बांटता है, उसका काम डराना नहीं है। पर हाँ, लोग डरे खूब है संतों से, इतना डरे हैं कि उनको मार भी डाला है। खलील जिब्रान का वक्तव्य है कि एक हुआ था नौजवान जिसको इसलिए मार डाला गया
क्योंकि वो बेइंतहा प्यार के काबिल था। जो लोग बेइंतहा प्यार के काबिल होते हैं ना, वो लोगों को बड़े डरावने लगते हैं, उनको मार ही डाला जाता है। तुम मत मार डालना कि मुझे डरा रहे थे तो मैंने मार डाला। देखा है लोगों को सड़क पे चल रहे होते हैं, कोई कुत्ता होता है वो उनके करीब आता है, वो दुम हिला रहा है, बात स्पष्ट है कि वो आक्रमण के इरादे से नहीं आया है, वो प्यार के इरादे से आया है। लोग कितने खौफजदा हो जाते हैं, देखा है, वो डर जाते हैं। अब कुत्ता तो नहीं डरा रहा, कुत्ते की आंखों में देखो वहां कोई हिंसा नहीं है, आंख नहीं दिखाई देती तो पूंछ तो दिखाई देगी, इतनी बड़ी हिल रही है भाई। वो सिर्फ सामीप्य चाहता है, लोग डर जाते हैं। तो तुम तो किसी से भी डर सकते हो, और पत्थर मार देते हैं कुत्ते को, कुत्ता है तो पत्थर ही मारते हैं, संत हो तो गोली मार देंगे। पर एक डर तो सबसे बड़ा होता है ना, मरने का। चाहे मैं बाकी सब डरों को कुछ भी कह के बोल सकता हूँ कि ये सब झूठ है, बट एक जो चीज़ मैं हर दिन देखता हूँ, जो मुझे भी पता है सत्य है, उसको मैं कैसे करूँगा? उसको तो मैं कुछ झूठ भी नहीं बोल सकता। मरने के डर तो सबसे ठीक मरोगे तो इसी को सोच के एक बार मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं ज़मीन पर लेट गया था कि मैं मर ही जाता हूँ, जब कल मरना तो आज ही मर जाता हूँ। तो मैं लेट ही गया था 2 घंटे के लिए, फिर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ था जो पूरा उठ के यहाँ पे आ गया था, फिर मैं घबरा गया, मैं आँख खोल के खड़ा हो गया, नहीं ये गैस रही होगी। हाँ वही चढ़ती है माथे पे, पेट कुंडलनी वगैरह का तो शक नहीं हो गया तुम्हें कि कुछ? हाँ मुझे लगा। ये कई लोग हैं जो गैस को कुंडलनी वगैरह से। यही प्रॉब्लम है, बहुत सारी नॉलेज भी हमारे मेरे लिए हार्मफुल हो रही है। जो भी कुछ होता है मैं उसको कहते हैं वेदों में से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। अच्छा तो लगा होगा। लगा था कुछ हो गया, कुछ हो ही गया आज, मरने चले थे यहाँ तो शस्त्रार खेल गया। चलो वापस आते हैं, मर जाओगे तो हाँ मरोगे तो अब जब तथ्य पे आते हैं तो पता चलता है कुछ है ही नहीं, मरना माने मरना। पर अभी कल्पनाओं पर आ जाएं कि मरने के साथ तुमने क्या क्या अर्थ जोड़ रखे हैं, तो बड़ी कल्पनाएं खड़ी होंगी और हर कल्पना के साथ डर आएगा। डर मरने का नहीं होगा, डर उस कल्पना का है। क्या क्या कल्पनाएं हैं मरने के साथ? इस बात मैंने भी सोचा था, एक मैंने सोचा था अगर सब खत्म हो ही जाएगा तो मैं भी खत्म हो गया, फिर तो सोचने वाला ही नहीं रहा जो मन, और अगर कुछ रह गया तो मतलब मैं तो था ही नहीं जो मैं सोचता था। मगर फिर कल्पना आती है कि कुछ एनर्जी रह जाएगी, वो फिर मेरा क्या अच्छे करें बुरे करें उसके हिसाब से, मुझे चूहा बिल्ली, फिर मुझे दोबारा इंसान शरीर पाना होगा, दोबारा मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करनी होगी, इस पर टाइम लगेगा। बट ये है प्रॉब्लम भाई, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है जो तुमने जन्म के पहले से पा रखा हो? ये जीन्स कब पाई? 2 साल पहले। ये घड़ी? 1 महीना। ये टी शर्ट? 1 साल। ये दांत? 16 साल। ये चश्मा? 1 हफ्ते पहले। ये भाषा? 3 साल का था तब। कुछ अपना ऐसा बता दो जो जन्म से पहले का है।
ये विचार जो भी चल रहे हैं, कुछ अपना बता दो जो जन्म से पहले का है। तो जो जन्म के बाद मिला, इसी जन्म में मिला, वो जन्म के उपरांत कैसे बचेगा? जो शरीर के बाद आया, वो शरीर के बाद शेष कैसे रह जाएगा? और तुम्हारे पास जो कुछ है वो शरीर के बाद आया, और तुम कह रहे हो कि शरीर नष्ट भी हो जाएगा, जल जाएगा, उसके बाद भी कुछ शेष रह जाएगा। क्या शेष रह जाएगा? शरीर के बाद तो कुछ ऐसा ही शेष रहना चाहिए जो शरीर से पहले भी हो। क्या था शरीर से पहले? शरीर से पहले तो समय भी नहीं था, पहले और बाद की अवधारणा भी नहीं थी। जब ये मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो पहले और बाद को विचारने वाला कौन रह गया? समय कहाँ रह गया? ये प्रश्न कि मरने के बाद मैं रहूंगा कि क्या बनूंगा, इसमें तुम ये माने ही बैठे हो कि मरने के बाद कम से कम समय शेष रहेगा। मरने के बाद, बाद अरे मरने के बाद जैसा कुछ होता ही नहीं, वो तुम्हारी यात्रा का आखिरी बिंदु है जो तुम हो, उसके बाद कुछ नहीं है, अपरिमित शून्यता, कुछ है ही नहीं। और वही तुम हो, और वही तुम थे, हो तुम अभी भी वही, पर अभी तुम अपने आप को देह माने बैठे हो। मरने के बाद जो तुम हो, वही तुम जन्म लेने से पहले थे, और अभी भी तुम वही हो, अभी भी तुम हो मरे हुए ही। या तो ये कह दो कि अभी मैं मरा हुआ हूं, या ये कह दो कि अभी मेरा जन्म ही नहीं हुआ, दोनों एक ही बातें हैं। अभी भी वही हो जो देह जल जाने के बाद हो जाएगा, हो जाना है, अभी भी वही हो। सत्य में कोई परिवर्तन तो होता नहीं, वहां तो सब कुछ अचल है, तो तुम अभी भी वही हो। ये सब ख्याल छोड़ दो कि मरने के बाद भी ये बचता है, कि विचार बचते हैं, कि रूह बचती है, कि आत्मा बचती है। जो बचता हो पहले ये सिद्ध करो कि वो जन्म से पहले भी था, और जन्म से पहले जो था वो तुम नहीं हो। तुम तो अपने आप को जो कुछ मानते हो वो पूर्णतया भस्म हो जाना है। तुम अपने आप को जो कुछ मानते हो पूर्णतया भस्म हो जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं बचेगा, बचेगा, असीम विराट बचेगा, या ये कह लो कि एक नीरव शून्यता बचेगी, पर उससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। उससे परिचय कर लो तो मौत का खौफ खत्म हो जाए। जब मुझे मरना ही था, जब तय ही था कि मरना है, तो फिर मुझे बनाया ही क्यों? मुझे वही रहने देते जो मैं था। तुम को किसने कहा कि तुम बनाए गए? दिखाओ सर्टिफिकेट वगैरह कोई लेके आए तो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर या कुछ ऐसा। कौन कह रहा है कि तुम हो? कोई है गवाही देने वाला कि तुम हो? और अगर तुम हो तो तुम सोते समय कहां चले जाते हो? कहां चले जाते हो? तुम अगर हो तो तुम्हें निरंतर होना चाहिए ना। तुमसे कहा किसने कि तुम हो? पर कयास लगाए जाते हो, तुक्के मारे जाते हो कि तूने मुझे बनाया ही क्यों? वो कह रहा है भाई ये गुनाह मेरे ऊपर क्यों लादते हो? हम किसी को नहीं बनाते, तुम खुद अपने आप को रचते हो अपनी कल्पनाओं में, और इल्जाम मेरे ऊपर आता है। पर शक्ति भी तो उन्हें नहीं थी हमें कल्पना करने की, हमें अगर हम अपना अपन साधक समझ रहे हैं तो ये बुद्धि भी तो उन्होंने उन्हें भी दी। ये उन्होंने दी इतना समझ में आता है, तो इस शक्ति के आगे क्या है
वो नहीं समझ में आता? कल्पना कर सकते हो तो बोध में भी तो उतर सकते हो। बनाने वाले पर ये इल्जाम तो खूब लगा दिया कि तूने ही तो मुझे कल्पना करने की शक्ति दी है और शांत हो जाने की शक्ति, फिर उसके लिए कोई अनुग्रह नहीं है। कल्पना मात्र कल्पना है, ये जान जाने की शक्ति नहीं दी गई है कि सत्य कल्पना के पार है, इस बोध की शक्ति नहीं दी गई है। अगर शक्ति की ही बात कर रहे हो तो पूरी करो ना, शक्ति तो तुम्हें पूरी दी गई है, कुछ बचा के थोड़ी रखता है कि जरा सा एडवांस बाकी काम होने के बाद। और कल जो इमेजिनेशन थॉट्स, तो फिर भी मुझे थोड़ा मतलब डिस्टेंस पे देख सकता हूँ, जो ये सब देख रहा है उससे तो उसको तो मैं उसके अंदर तो मैं नहीं उतर सकता, क्योंकि थॉट्स से फिर भी थोड़े मेरे डिस्टेंस पे हैं, बट जो उसके मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे विचारों से तुम्हारी वास्तव में कोई दूरी है? विचारों से, थॉट से तो है थोड़ी सी, देख लेता हूँ। कैसे पता? जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं वृंदावन में थे और एक भिखारी बैठा हुआ था, तो मेरे को किसी ने कहा कि ये भिखारी अंधा है, मगर भिखारी आँख खोल के बैठा हुआ था और मैं उसे आँख खोल के देख रहा था। तो मैंने फील करा कि ऐसा क्या है जो मतलब आँखें वही हैं, मैं देख पा रहा हूँ, ये नहीं देख पा रहा। तो ये सोचने में भी एक डिस्टेंस था, तो फिर मेरे को लगा कि मतलब कोई तो किससे डिस्टेंस था, मतलब जो ये देख रहा है। और तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने देख पाने की प्रक्रिया को समझना चाहते थे उस क्षण में? नहीं, मैं समझने में देख रहा कि आँख खोलते ही कुछ है जो मेरे में देख पा रहा है और इसमें नहीं देख पा रहा। कुछ भी नहीं, आँख ही है। आँख ही है, बट कोई तो है, कुछ शक, कुछ कोई भी नहीं है, तो आँख ही है, मगर फिर वो नहीं देख पा रहा जो मैं देख पा रहा हूँ। ये सब आँख नहीं है उसके पास, इसलिए नहीं देख पा रहा। आँख वैसी है जैसे मेरे पास थी, बट वो नहीं, वो तो जरा सा तुम उसकी जांच पड़ताल करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी आंख में कुछ ऐसा है, नहीं है जो तुम्हारी आंख में है। और अगर उसकी आंख में भी वो लगा दिया जाए तो वो भी वैसे ही देख पाएगा जैसे तुम देख पाते हो। इसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये तो पूरे तरीके से भौतिक बात है। ये वैसी ही बात है कि तुम किसी का मोबाइल फ़ोन देखो, वो काम नहीं कर रहा हो, तुम कहो कुछ तो मेरे मोबाइल फ़ोन में है जो उसके मोबाइल फ़ोन में नहीं है, सिम नहीं है, लगा दो उसका भी काम करेगा। इसमें कोई आध्यात्म नहीं है। मजा तब आए जब ये सब जो देख रहे हो और सोच रहे हो उस समय जरा अपने पर नजर रख पाओ। नजर रखोगे तो ये भी दिखाई देगा कि ये सब सोचने को आतुर कितने रहते हो, कि जिंदगी को देखते कम हो, जिंदगी का विश्लेषण ज्यादा करते हो। जिंदगी का जितना विश्लेषण करोगे उतना लगेगा कि जिंदगी उलझी हुई है। ऑब्जर्वेशन एनालिसिस नहीं होता। भिखारी को देख के अगर तुम्हें ख्याल आ रहे हैं तो तुमने भिखारी को देखा नहीं। देखने का अर्थ होता है देखना, विचारना नहीं। मैंने कोशिश करी है ऐसा करने की, कभी जैसे आसमान सुंदर होता है तो उसको देखते रहने का, मेरे को आसमान बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, पर आसमान मुझे बहुत सुंदर होता है। आसमान को देखता हूँ तो फिर अचानक ही एक डर भी आ जाता है, फिर मैं अपना ध्यान कहीं और लगा देता हूँ। अब आसमान देखने में डर क्यों आ जाता है मुझे भी नहीं पता, बट डर आ जाता है, फिर मैं अपने आप को किसी सोच रखा होगा कि उसमें से कुछ गिर पड़ेगा,
आसमान को देख के एक और डरा था, हमारे पास एक खरगोश है, सुना तुमने कहानी उसकी? अरे अच्छा हाँ, खरगोश आसमान गिर पड़े। कोई कुछ भी सोच के डर सकता है। अब वो भाग रहा है पूरी ताकत से, भाग रहा है पूरी ताकत से। हाथी रोक रहा है कि भाई क्यों भाग रहा है खरगोश, ना दूर हटो तुम कामचोर निठल्ले, बड़ी गंभीर आपदा है, हम कुछ करने जा रहे हैं। हाथी कह रहा है पता नहीं क्या है। जिराफ मिल रहा है, भाई खरगोश भाग क्यों रहा है, धनादन भाग रहा है कि क्या है, बोला हटो तुम। बात फैली कि खरगोश है और बड़ी तेजी से भागा जा रहा है, कोई भी पूछ रहा है कि बात क्या है बताने को राजी नहीं। तो फिर कई सारे जानवरों ने, शेर वेर ने मिलके उसको घेरा, क्या बता पहले तू भाग क्यों रहा है इतना, पूरा मानोगे नहीं तुम लोग, मर्दू दो निठल लो, अरे आसमान गिर रहा है। आसमान गिर रहा है? तो ऊंट ने कहा आसमान तो गिर रहा है ठीक, पर तुम भाग के जहां भी जाओगे वहां भी आसमान होगा, वहां भी गिरेगा, तुम भाग किस लिए रहे हो? बोले कर दी तुमने ऊंटों वाली बात, अरे हम भाग इसलिए रहे कि वो पहाड़ है सामने, उस पर चढ़ेंगे, जब गिरेगा तो थाम लेंगे, नहीं तो ये हाथी जिराफ ऊंट शेर ये सब मर जाएंगे। घोड़ा समझा हुआ है कि भाग के जाएंगे, हम क्यों भागें? तो ऐसे तुमने भी कुछ कि आसमान से नारियल गिरेगा, जाने कुछ भी हो सकता है, पिशाच गिरेंगे, आसमान आसमान है। जब डर आए तो डर को वैसे ही देखो जैसे आसमान को देख रहे थे। आसमान को देखते हुए यदि डर उठे तो डर को ठीक वैसे ही देखो जैसे आसमान को देख रहे थे। आसमान को देखने के लिए आंखें बाहर, डर को देखने के लिए आंखें भीतर को करनी पड़ेंगी। भाग मत जाओ, और अगर नहीं रुकता, भागना ही पड़ता है, तो अपने भागने को भी देखो। आसमान को देख रहे थे, डर उठा और इतनी जोर का उठा कि भागना ही पड़ा, उस भागने को भी देखो। फिर तुम पागल हो जाऊंगा, मतलब उस पागलपन को भी देखो। क्या पता देखना ही निजात दिला दे, क्या पता पागल हो नहीं जाओगे, हो ही। पागलखाने में एक चीज पक्की है, कोई ये नहीं बोल रहा होता कि मैं पागल हूं, तुम किसी पागल से ये कहलवा के दिखा दो कि मैं पागल हूं, तो उसकी दृष्टि में पूरी दुनिया पागल है। वो भी ऐसे ही कह रहा होता है, उफ इतना शोर मचाते ये, मैं तो पागल हो जाऊंगा बाकी पागलों के लिए, एक से एक पागल भरे हुए हैं, इतना शोर मचाते हैं मैं तो पागल हो जाऊंगा। खुद क्या कर रहा है, जब ये बोल रहा है तो उछलते हुए। तुम आसमान को देख के डरते हो, कोई कुछ और देख देख के डरता है। आसमान तो फिर भी एक तथ्य है, लोग तो पता नहीं क्या क्या देख के डर जाते हैं। आज से 20 साल बाद कुछ होगा उसको देख के डरे हुए हैं, कोई मौत के बाद नरक मिलेगा उसको देख के डरा हुआ है, कोई बुढ़ापे में कैंसर होगा उस कैंसर से डरा हुआ है, हुँ?